सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे बटरफ्लाई स्प्रेड्स के बारे में। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि बी एक्टिव ऑन द कम्युनिटी टैब्स पेज, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे पोल्स होते हैं कि आपको कौन से वीडियोस पसंद है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, 5 डेज अगो मैंने एक छोटा सा पोल डाला था जिसमें मेरा प्लान ये है कि फ्रॉम नेक्स्ट वीक एक टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो निकालूं, एकदम बेसिक से, फ्रॉम द स्टार्ट। वॉट इज टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा। और एक वीडियो होगा ऑप्शंस पर। सो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, मेक श्योर टू हिट द येस बटन। और अगर आपको चाहिए कि सिर्फ ऑप्शंस का वीडियोज आए, तो मेक श्योर टू क्लिक द नो बटन, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको किस तरीके की वीडियोज चाहिए, ताकि मैं वैसे वीडियोज आपके लिए लेके आ पाऊँ। राइट, सो लेट्स गो अहेड विथ बटरफ्लाई स्प्रेड और वील गो टू ट्रेडिंग व्यू फर्स्ट एंड टेक अ व्यू। सो लेट्स से गाइज, निफ्टी का एग्जाम्पल लेंगे हम। सो लेट्स से यहाँ पर एक बड़ी सी अपमूव आ रही है और हम ट्रेंड फॉलोअर्स हैं। सो हमारा व्यू ये है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ, जो है 31 दिसंबर की एक्सपायरी, हमारा व्यू ये है कि निफ्टी शुड बी अराउंड 13,900। लेट्स से एक डायरेक्शनल व्यू ले रहे हैं विद द ट्रेंड। और हमारा मानना ये है कि 14,000 एक बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा। सो मे बी निफ्टी 14,000 को टेस्ट करेगा और वहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताएगा। सो अराउंड 13,900 से 14,000 का रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन एक्सपायरी, राइट, विच इज 31st एक्सपायरी, नॉट दिस एक्सपायरी, 31st एक्सपायरी का। सो इसको हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं? सिंपली एक कॉल बटरफ्लाई यूज करके हम इसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। और अभी हम जाते हैं ऑप्स्ट्रा पर और हम एक बटरफ्लाई स्प्रेड बना लेंगे। सो लेट्स गो टू ऑप्शन बिल्डर, विच इज स्ट्रैटेजी बिल्डर। एंड वॉट वी हैव टू डू सिंपली गाइज, कि बटरफ्लाई में क्या होता है, आपको सिर्फ कॉल चूज करना होता है अगर आप बुलिश हो, और सिर्फ पुट चूज करना है अगर आप बेरिश हो। टिपिकली ये एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको कोई भी डायरेक्शनल प्ले करना है, जनरली हम बटरफ्लाई यूज करते हैं। सो गाइज, इसमें हमको क्या करना है, हमारा व्यू ये है कि 13,900 के आसपास होगा एक्सपायरी। सो उसी एक्सपायरी का हम कॉल ले लेंगे एंड उसको हम ट्वाइस बेचेंगे, दो लॉट बेचेंगे। अगर आप जनरली 5 लॉट से ट्रेड करते हो तो 10 लॉट आप बेचोगे, राइट। सो ट्वाइस दी अमाउंट हम इसको सेल करेंगे, विच इज 31st December एक्सपायरी अगेन। एंड हमें सिंपली बाय करना है 100 पॉइंट्स नीचे का वन कॉल, राइट। सो 2 लॉट्स नहीं, 1 लॉट अगेन बाय, एंड 14,000 का 1 लॉट बाय करेंगे। सो लेट्स सी कि हमारा पे ऑफ कैसे बन रहा है। सो लेट्स स्क्रोल डाउन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो शॉर्ट स्ट्राइक्स है 13,900 का, वो हमारा मैक्स प्रॉफिट एरिया भी होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सपायरी होगी तो हमारे ये ऑप्शन कम्प्लीटली जीरो एक्सपायरी होगा। दूसरे मैट्रिक्स देखते हैं अभी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ वेरी लेस, क्योंकि हमें चाहिए कि इस छोटे से रेंज में ही एक्सपायर हो, वो भी आफ्टर 14 डेज, राइट, क्योंकि 31st की एक्सपायरी 2 हफ्ते बाद है। सो हमारा प्रॉफिट ऑन एक्सपायरी तभी ही होगा जब ही इस छोटे से रेंज में निफ्टी एक्सपायर होगा। हमारे ब्रेक इवेंस कहाँ पर है? अराउंड 13,814 से लेकर 13,986। सो ये जो नैरो 170 पॉइंट का रेंज है, अगर निफ्टी इसमें रहता है, सो हमारा काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो, इट्स वेरी वेरी गुड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम है, सो ऑब्वियसली हमें रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। सो यहाँ पर मैक्स लॉस इज जस्ट 1,000 रुपीज, वेर एज मैक्स प्रॉफिट इज 6,500, विच इज ऑलमोस्ट 1:6.5 का रिस्क रिवॉर्ड, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1:6.5 है। सो इसमें जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक्सपायरी तक नहीं रुकते हैं, और जैसे ही उनके डायरेक्शन में प्राइस जाने लगता है, वो जनरली थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं। एंड मैंने तो ऐसे कोई ट्रेडर को नहीं देखा है जो बटरफ्लाई जनरली एक्सपायरी तक कैरी करे। एडजस्टमेंट करके डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं, बट ऐसे ही 13,900 के हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि सिंपली वी कैन सी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत कम है, राइट। सो हमने देखा कि एक डायरेक्शनल व्यू से हम बटरफ्लाई यहाँ पर बिठा सकते हैं। अभी इसमें दूसरी चीज़ क्या देखने लायक है, सो गाइस, बटरफ्लाई जनरली एक डेबिट स्ट्रैटेजी होती है। डेबिट का मतलब यह है कि आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे, आपको कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्ट ट्रायंगल करते हो, तो लेट्स से आपने 20 रुपीज का कॉल एंड पुट बेचा है, तो आपको 40 रुपीज का क्रेडिट मिलेगा, एंड 40 रुपीज विल बी क्रेडिटेड टू योर ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। बट डेबिट स्ट्रैटेजीज में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे बटरफ्लाई है,
आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रीमियम जितना हमने कलेक्ट किया है उससे ज़्यादा हमने मार्केट को वापस दिया है। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। 80 को हमने ट्वाइस शॉर्ट किया है, सो यहाँ पर हमें 160 का प्रीमियम मिलेगा, राइट। ये 120 यहाँ पर हमने मार्केट को वापस दे दिया, सो बचा हमारे पास 40 रुपीज़, एंड 40 रुपीज़ में से हमने 54 वापस दे दिया। सो नेट डेबिट इज राइट अराउंड 15 पॉइंट्स। सो आपका 15 रुपीज़ का डेबिट है यहाँ पर। सो लेट्स से कि कहाँ पर भी प्राइस जाती है एक्सेप्ट फॉर दिस ब्रेक इवन, आपको ऑन एक्सपायरी लॉस होगा। सो इसको कवर करने के लिए क्या कर सकते हो, आप एक बहुत फार आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बेच सकते हो, क्योंकि आपका व्यू इज़ वेरी बुलिश, राइट। सो लेट्स डू दैट, एंड हम देखते हैं कि हम बटरफ्लाई जो एक डेबिट स्ट्रैटेजी है उसको माइल्डली क्रेडिट कैसे कर सकते हैं। सो जैसे हमने देखा कि हमारा अराउंड 15 पॉइंट्स का डेबिट था, सो लेट्स सेल अराउंड 17 टू 20 रुपीज का पुट ऑप्शन बिकॉज आर व्यू इज बुलिश। सो लेट्स डू दैट, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है सो हम आराम से डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे, एंड लेट्स सी 12,800 का पुट कितना चल रहा है। सो यस, हियर यू गो, 18 रुपीज का पुट चल रहा है, और अगर आप इसको सेल करते हो सो व्हाट यू कैन सी नाउ इज कि अपसाइड में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, एज इन यू वोंट लूज एनीथिंग, बट डाउन साइड में आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आपने नेकेड 12,800 का पुट बेचा हुआ है। बट 12,800 का पुट भी काफ़ी दूर है, इट्स अराउंड 900 पॉइंट्स फार अवे, राइट, फ्रॉम स्पॉट प्राइस। तो अगर आपका व्यू ये है कि बड़ा फॉल तो नहीं आने वाला है, उतना आपको अगर विश्वास है, सो व्हाट यू नाउ हैव डन इज कि अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को देखो कितना बढ़ा दिया, इट्स अराउंड 97%। सो इन एनी केस आपका 97% चांस है कि आपको 390 रुपीज़ का प्रॉफिट तो होगा ही, बट अगर 800 पॉइंट्स का फॉल आ जाता है तो आप टी प्लस जीरो लाइन भी यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, और आपको टी प्लस जीरो लाइन तक ही जो ब्रेक इवन ब्रीच होगा आपको 17,000 जितना लॉस हो जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल, अगर आप ऐसे बटरफ्लाई को अप्लाई कर रहे हो और इसको क्रेडिट बना रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जाना पड़ेगा, और बाय एनी चांस अगर आपका ये स्ट्राइक ब्रीच होता है सो यू विल बी इन डीप रेड, राइट। सो दिस वॉज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप बटरफ्लाई को डेबिट से कैसे क्रेडिट बना सकते हो। और अगर आप आयन फ्लाई के बारे में जानते हो, सो वॉट यू विल नोटिस इज कि अगर हमने उस पुट को हटा दिया तो ये जो पे ऑफ है हमें दिख रहा है वो एग्जैक्टली आयन फ्लाई जैसा ही है, राइट। आयन फ्लाई में भी सेम होता है, जहाँ पर हमने स्ट्रैडल शॉर्ट किया है वहाँ पर मैक्स प्रॉफिट होता है हमें, क्योंकि ऑप्शन जीरो होंगे, एंड जो ये जो विंग्स है वहाँ पर हमारे मैक्स लॉस कैप हो जाते हैं। आयन फ्लाई में क्या होता है, बेसिकली आप एक कॉल भी सेल करते हो, पुट भी सेल करते हो, अपर साइड का एक कॉल बाय कर लेते हो एंड लोअर साइड का पुट बाय कर लेते हो। बटरफ्लाई में डिफरेंस क्या है कि आप सिर्फ कॉल यूज़ कर रहे हो या सिर्फ पुट यूज़ करोगे। सो लेट्स से आपका व्यू अगर बुलिश से बेरिश हो जाता है एंड यू डिसाइड कि 13,500 पर एक्सपायरी होगी, सो सिंपली आपको क्या करना है, 13,500 का पुट ऑप्शन आप ट्वाइस सेल कर लोगे, 13,600 का पुट ऑप्शन बाय कर लोगे एंड 13,400 का पुट ऑप्शन बाय कर लोगे, राइट। सो ये एग्जैक्टली फ्लिप हो जाएगा और ये जो मैक्स प्रॉफिट एरिया है वो अराउंड यहाँ पर आ जाएगी, राइट। सो आयन फ्लाई और बटरफ्लाई में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आयन फ्लाई में अगर हम कॉल और पुट दोनों यूज़ करते हैं, बटरफ्लाई में हम सिर्फ कॉल यूज़ करते हैं या सिर्फ पुट यूज़ करते हैं। पे ऑफ एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ काम कभी आता है बटरफ्लाई व्हेन यू हैव टू टेक अ डायरेक्शनल व्यू, और जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्शनल व्यू लिया है सो आयन फ्लाई में क्या प्रॉब्लम होगा कि पुट ऑप्शन बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी होगा और आपको लिक्विडिटी के थोड़े कंसर्न्स हो सकते हैं। सो अगर आपको डायरेक्शनल व्यू लेके ऐसा काम करना है तभी आप बटरफ्लाई यूज़ कर सकते हो, और आपको 13,900 का जो हमने कॉल सेल किया था उसमें आपको अच्छा लिक्विडिटी मिलेगा। वेर एज अगर आप 13,900 के पुट ऑप्शन सेल करने जाओगे सो आपको बिड आस्क में भी काफ़ी फर्क दिख सकता है, एज वेल एज लिक्विडिटी के थोड़े कंसर्न्स आपको 13,900 के पुट में हो सकते हैं। सो ऑनेस्टली अगर मैं मेरा ओपिनियन दूँ तो मैं बटरफ्लाई कभी यूज़ नहीं करता एंड मैं सिंपली ट्राइंगल्स और कैलेंडर्स प्रेफर करता हूँ, बिकॉज आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफ़ी कम है। और अगर मैं एग्जीक्यूट अगर बटरफ्लाई कभी करूँगा भी आगे जाकर, सो जैसे मैंने बताया था मैं ऑलवेज एक क्रेडिट लेने की कोशिश करता हूँ, डेबिट स्ट्रैटेजीज रेयरली करता हूँ या मे बी नहीं भी करता हूँ, आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम जो मैंने डेबिट स्ट्रैटेजी की थी। सो
अगर मैं बटरफ्लाई करता भी हूँ सो आई मेक श्योर कि आई हैव अ क्रेडिट, और क्रेडिट मैं कैसे लाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया था एक फार आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बेच के मैं क्रेडिट ले लूंगा, राइट। सो ये था वीडियो बटरफ्लाई पर। मेक श्योर टू बी एक्टिव ऑन द कम्युनिटी टैब, एंड इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।